नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और इस पर एग्रेसिव पॉलिटिक्स भी हो रही है। कुछ पॉलिटिशियंस अपना आक्रोश ई स्कूटर चलाकर, साइकिल चलाकर और इनफैक्ट कैमल राइड करके भी जता रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ भक्तगण इस आलोचना की कड़ी निंदा भी कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट इस दिशा में क्या कदम उठा रही है, लगातार बढ़ते हुए प्राइसेस से क्या परिणाम होंगे, और ये सब पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिए। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, पेट्रोल ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर दी है। क्रूड ऑयल प्राइसेस अपने लोएस्ट लो पर थे अप्रैल 2020 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से। तब पर बैरल क्रूड ऑयल की कीमत $40 थी। मोर ओवर, सऊदी अरेबिया जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है, उसने भी अपने तेल की प्रोडक्शन में कमी कर दी है ताकि इंटरनेशनली ऑयल को अच्छा दाम मिल सके। बढ़ती कीमतों को देखकर आपको शायद यही लग रहा होगा कि इंटरनेशनली तेल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से इंडिया में भी पेट्रोल महंगा मिल रहा है। इनफैक्ट आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2014 में तेल के पर बैरल की कीमत थी $93 और वही 2020 में पर बैरल की कीमत थी सिर्फ $40। तो फिर क्यों प्राइसेस बढ़ रही हैं? देखिए, सेंटर और स्टेट्स दोनों अपने अपने टैक्सेस लगाते हैं। सेंटर की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वही स्टेट्स की स्टेट सेल्स टैक्सेस। अगर दिल्ली की बात करें तो तेल की बेस प्राइस पर अराउंड 180% टैक्स लगाया गया है। अगर 2014 से कंपेयर करें तो लगभग 10 गुना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि बीजेपी सरकार ने बढ़ा दी है। 2014 से अगर कंपेयर करें तो डीजल पर 3.56 रुपीस का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, वही आज 10 गुना बढ़कर वो ऑलमोस्ट 31 रुपीस तक पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ने इतना हाहाकार मचा दिया है तो फिर भी गवर्नमेंट इसको कम क्यों नहीं कर रही? देखिए, इसका उत्तर ढूंढने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कोरोना से हिट हुई इकोनॉमी, एक वीक अपोजिशन और आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को लेके उस पर प्रोटेस्ट होना, ये सारी चीजें गवर्नमेंट की फेवर में काम कर रही हैं। अगर डिटेल में जाए तो ये समझिए कि ऑयल कंपनीज जो कच्चे तेल को रिफाइन करके लोगों तक पहुंचाती है, उन कंपनीज को गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना बंद कर दिया है, जिसके चलते अब इंटरनेशनल मार्केट्स पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस तय कर सकती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को हर 3 महीने में रिवाइज करने की प्रैक्टिस को भी बंद कर दिया, जिसके चलते अब ऑयल कंपनीज हर रोज अपना दाम बढ़ा या घटा सकती है। पर एक सवाल आपके मन में आना चाहिए और वो ये कि अगर ऑयल कंपनीज ही पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस डिसाइड कर रही है और कोरोना की वजह से तेल इतना सस्ता हो गया है, तो फिर क्यों गवर्नमेंट आज भी हमें इतना महंगा पेट्रोल और डीजल बेचती है? देखिए, कोरोना के चलते गवर्नमेंट का काफी एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा बढ़ गया है और वही दूसरी तरफ गवर्नमेंट का इनकम भी बहुत कम हो गया है। GST, कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स ना के बराबर मिल रहा है। अगर सरकार को कुछ पैसे मिल रहे हैं तो वो है पेट्रोल और लिकर पे लगाए हुए टैक्सेस से। एंड टू इंश्योर कि गवर्नमेंट का इनकम फ्लो जारी रहे, गवर्नमेंट ने तेल पर टैक्सेस और बढ़ा दिए हैं। और अब जब इंटरनेशनली भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भारत में भी तेजी से बढ़ रही है। गवर्नमेंट के पास अब भी ये ऑप्शन है कि वो पेट्रोल और डीजल पे लगाए गए एक्स्ट्रा टैक्सेस को कम करे और लोगों को राहत दे, लेकिन उससे होगा ये कि जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रहा है उस पर कमी आ जाएगी और इसे मेंटेन करने के लिए फिर गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि एक पॉलिटिकली बहुत ही डेंजरस मूव हो सकता है। मोर ओवर, रेवेन्यू में रिडक्शन गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट गैप यानी टोटल खर्चा और टोटल आमदनी, उस गैप को भी बढ़ा सकता है। पेट्रोल की प्राइसेस को कम ना करने का दूसरा कारण है हमारा वीक अपोजिशन। बीजेपी को सेंटर में मेजॉरिटी है, इनफैक्ट मैक्सिमम स्टेट्स में बीजेपी की ही सरकार है। इसी के चलते कई राज्य सरकारें मोदी गवर्नमेंट के इस मूव को देश हित में काम करने वाला समझती है। मोर ओवर, अपोजिशन पार्टीज भी कमजोर पड़ रही है क्योंकि उनका आपस में ही कोई मेल नहीं है और उनको ग्राउंड पे पब्लिक सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। राहुल गांधी पेट्रोल के कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए प्राइसेस को लेकर गवर्नमेंट की काफी आलोचना करते हैं, लेकिन इसको मेनस्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा, जिसके चलते सिर्फ सोशल मीडिया पर ही राहुल गांधी अपनी बात रख सके हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है डायवर्जन ऑफ इश्यू का। देश में जब एंटी CAA प्रोटेस्ट हो रहे हो,
फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हो, राम मंदिर का इशू उछाल दिया जाए और टीवी न्यूज मीडिया सिर्फ हिंदू मुसलमान करती रहे, तो कोई क्यों ही पेट्रोल प्राइसेस पर बात करेगा। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट टैक्सेस कम करेगी तेल पर, एटलीस्ट नॉट इन द इमीडिएट फ्यूचर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस को और 3 साल बाकी है। आपको शायद याद होगा कि 2018 में इलेक्शंस के सिर्फ कुछ ही महीनों पहले सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपए से एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी और वही मई 2020 आते आते एक्साइज ड्यूटी 10 से 13 रुपए तक बढ़ गई, और वो भी तब जब कोरोना से तेल बहुत ही सस्ता हो गया था। बट वेदर यू आर अ मोदी सपोर्टर और नॉट, पेट्रोल की बढ़ती प्राइसेस का असर हम सब पर होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो इनिशियली शुरू में जिनके पास पर्सनल व्हीकल्स है उनका मंथली बजट ऑफ बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट, ऑटो सेक्टर जो कि देश का एक काफी बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट जनवरी 2021 में पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स की सेल्स में भारी गिरावट देखी गई है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑटो और उससे रिलेटेड सेक्टर्स में काफी मंदी आ जाएगी और भारी मात्रा में जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं। आगे चलकर जिन लोगों के पास अपने पर्सनल व्हीकल्स नहीं है उन लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए ज्यादा पैसे भी देने पड़ सकते हैं। जो कंपनीज ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में बिजनेस करते हैं उनको भी अपनी फीस बढ़ानी पड़ेगी। अगर सिंपल भाषा में कहूं तो आगे चलकर फल और सब्जी भी महंगी हो जाएगी। मोर ओवर जिन फार्मर्स के पास बिजली नहीं पहुंची है वो आज भी डीजल का ही इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के लिए, और इसके चलते फूड ग्रेन्स का भी प्राइसेस बढ़ सकता है। आज के टाइम पर जब कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हो और सरकार की इनएबिलिटी की वजह से युवाओं को रोजगार ना मिल पा रहा हो, उस समय महंगाई का और बढ़ना देश के नागरिकों के लिए काफी हानिकारक है। कुछ लोग इंक्लूडिंग फ्यू टीवी मीडिया पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ना मतलब देश के हित में काम होना ऐसा मानती है। उनका कहना यह है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ेंगी उन पे जो इनकम जनरेट होगा गवर्नमेंट उस इनकम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गरीबों के कल्याणों के लिए उस पैसे को खर्च करेगी। उन सब से मेरा सिर्फ यही सवाल है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स पेट्रोल और डीजल पे टैक्सेस बढ़ाती थी तो क्या वो टैक्सेस देश के निर्माण में काम नहीं आती थी? तो आज ये हिपोक्रेसी क्यों? मैं किसी भी पार्टी या लीडर का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन हम जब पावर में बैठे हुए लोगों को सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच किस काम की? मैं हिंसा फैलाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम सवाल तो पूछ ही सकते हैं ना। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो सही वक्त पर सही सवाल पूछेगा वही सच्चा देशभक्त है। आपको क्या लगता है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस का बढ़ना देश के लिए फायदेमंद है या हानिकारक, या फिर ये गवर्नमेंट का फिट इंडिया मिशन की तरफ एक और कदम है? यू गेट इट, पेट्रोल बढ़ेगा तो हम साइकिल चलाएंगे तो हम और फिट होंगे। अभद्र भाषा का उपयोग ना करते हुए मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। मेरा नाम है प्रजा कारंडे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।